दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं और आपके विवाह में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, शादी होने में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो आज मैं आपको दो तीन कुछ बहुत बहुत ही छोटे छोटे उपायों को बताने जा रहा हूँ। इसमें आपकी किसी भी प्रकार की धनराशि खर्च नहीं होगी और परिणाम आपको 100% प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, आपका विवाह हो चुका है, उसके बाद भी आपको लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है, तो फिर भी यह उपाय काम करेंगे। बस आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा, पूरे तन्मयता और पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि यह उपाय आपके लिए अवश्य ही कार्य करेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वालों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, उनकी वाणी थोड़ी सी गंभीर होती है, विचारधारा में थोड़ा सा दार्शनिकपन दिखाई देता है। वो क्या करते हैं, पैसे को लेकर थोड़े से ना मैनिपुलेट करने वाले लोग होते हैं। अपने पैसे को एक जगह नहीं रखते हैं, पैसे को तीन चार अलग अलग खंड में रखेंगे या तीन चार अलग अलग सोर्सेज में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा शेयर मार्केट में लग जाए, थोड़ा सा बैंक में भी लग जाए, थोड़ा सा जमीन में भी रह जाए, थोड़ा सा घर में भी रह जाए, थोड़ा सा गोल्ड के रूप में भी आ जाए, या उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य है। सपोज उनके पास एक पर्स है, तो पर्स में भी चार खाने हैं, तो चारों के चारों खाने में थोड़ी थोड़ी धनराशि दिखाई देती है। ऐसा सबसे ज्यादा होता है सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के पति पत्नी के साथ में। चलिए अब मैं आ जाता हूं उपायों में, हमें कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहली बात, आपके घर का जो पश्चिम का दिशा है, आपके घर का जो पश्चिम का दिशा है, उसे हर हमेशा साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। नंबर एक। नंबर दो, हो सके तो एक मटके में वहां पर प्रतिदिन शुद्ध जल रखें। एक मटका ले लें मिट्टी का और घर के पश्चिम दिशा में रखकर उसमें प्रतिदिन शुद्ध जल भरें। अगले दिन फिर से उस जल को फेंक कर फिर उसमें नए सिरे से जल भरें। ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। इसमें एक बार आपको मटका खरीदने में जो 50-100 रुपये लगना है वो लगेगा, उसके बाद आपकी किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं लगेगी। पश्चिम दिशा को साफ रखें, पश्चिम दिशा में पानी का भरा हुआ मटका रखें। ये एक बहुत बहुत ही अचूक उपाय है सिंह लग्न और या सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन के संबंध में। नंबर दो, अब हम आ जाते हैं दूसरे। प्रत्येक शनिवार को पीपल में जल अवश्य दीजिए और दीप दान करें। दीप जलाते समय सरसों के तेल का उपयोग करें। पीपल के पेड़ में जड़ देना है, एक दीप दान करना है। दीप दान करते समय उसमें आपको जो तेल उपयोग करना है वह सरसों का तेल होगा। इस एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि जो दीप का जो मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। जब आप दीप दान कर रहे हो तो आपका मुख जो है वह हर हमेशा पश्चिम दिशा को दिखाना चाहिए। उस दिए का जो लौ जो उससे निकलेगा वह लौ जो है वह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। यह था दूसरा उपाय। अब हम आ जाते हैं आज के तीसरे और अंतिम उपाय में। तीसरा उपाय बताने के पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए अब मैं आ जाता हूं आज के तीसरे और अंतिम उपाय में। करना क्या है, ग्रेट फोर के लोगों से कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जब आप ग्रेट फोर के लोगों से बात कर रहे हैं, आपके घर के आसपास झाड़ू लगाने वाला कोई स्वीपर हो, आपके ऑफिस का कोई प्यून हो, या कोई भी आपका अधीनस्थ हो, चाहे सबऑर्डिनेट के रूप में हो, किसी भी पद में हो, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने अधीनस्थ से किसी भी स्थिति में गलत भाषा में बात ना करें। मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आप उससे काम ना कराएं, हो सकता है आप उसके बॉस हो और ऑफिस का काम कराने के लिए दबाव बनाना जरूरी हो, दबाव बनाएं, लेकिन अपमानजनक शब्दों का तो कम से कम इस्तेमाल ना करें, ठीक है। इसी कड़ी में एक छोटा सा चीज मैं और जोड़ता हूं। आपके घर में जो काम करने वाली भाई आती है
उसे आप कुछ ना कुछ धनराशि तो काम के बदले में देते ही होंगे। साल में 2 बार 4 बार कम से कम त्यौहार के समय, या ठंड आ रहा है तो ठंड के समय चलो भाई एक शॉल या स्वेटर गिफ्ट कर दिए, गर्मी का दिन आ रहा है तो एक छाता दान कर दिए या एक चप्पल दान कर दिए। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको सैलरी के अलावा अलग से साल में 2 बार 4 बार आप दान करते रहें अपने से कम पावरफुल लोगों को। इस एक चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। सबऑर्डिनेट हो, नंबर ए या ग्रेड फोर का काम करने वाले लोग, इन दो तरह के लोगों के साथ आप यह कार्य लगातार करते रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देंगे। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।